पुलाव तो सबके घर में बनता ही होगा, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं पुलाव कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बासमती चावल लिए हैं, उनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। चावल भिगोने से वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं, एकदम खिले खिले बनते हैं। और अब एक बर्तन के अंदर 3 से 4 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर ऐड किया है 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल ऐड करने से चावल एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब उसके अंदर ऐड करना है चावल जो हमने भिगो के रखे थे। चावल को हम एकदम नहीं पकाएंगे, उसको थोड़ा सा कच्चा रखेंगे ताकि जब हम उसको मिक्स करें तब वो टूटे नहीं, साबुत रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे चावल रेडी हैं। अब उसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब एक पैन लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच घी लिया है। आप यहाँ पे ऑयल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन घी से पुलाव बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच बटर। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर उसके अंदर ऐड करेंगे काजू। तो यहाँ पे काजू को मैंने 2 से 3 टुकड़ों में कट कर लिया है, उसको ज्यादा बारीक नहीं कट करना है, थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। अब काजू को 2 से 3 मिनट सॉटे कर लेना है। काजू थोड़े से सॉटे हो जाए तो उसके अंदर ऐड करेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तेज पत्ता, 1 स्टार एनीस यानी चक्रफूल और 3 से 4 लौंग। अब उसको भी अच्छे से सॉटे कर लेना है। अब मैंने ऐड किया है यहाँ पे बीन्स। तो बीन्स को मैंने बॉईल करके लिया है क्योंकि बीन्स को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा सा हम बॉईल कर लेंगे ताकि जल्दी से पक जाए। अब उसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट पका लेना है। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने गाजर, कैप्सिकम और प्याज लिया है। आप अपने पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पे ले सकते हो। और उसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने चॉप करके लिया है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब उसको मिक्स करके उसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट हम पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे सारे वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सारे वेजिटेबल अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे शाही पनीर मिक्स। पंजाबी सब्जी का जो रेडीमेड मसाला आता है वो आप यहाँ पे कोई भी मसाला ले सकते हो जो आपको पसंद है, लाइक पनीर बटर मसाला या फिर कोई और। मार्केट में बहुत सारे मसाले अवेलेबल हैं, कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ये मसाला मैंने ऐड किया है। अब उसके अंदर 1 छोटी चम्मच हल्दी और 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। हमारे घर में सबको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैंने मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें कोई और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो शाही पनीर मिक्स लिया था उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे मसालों का टेस्ट आ जाता है। अब पुलाव को थोड़ा शाही बनाने के लिए मैंने उसके अंदर ऐड किया है फ्रेश क्रीम। आप घर पे जो दूध होता है उसके ऊपर जो मलाई होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसके अंदर ऐड करेंगे चावल जो हमने पहले से ही बॉयल करके रखे थे। हमें यहाँ पे चावलों को एकदम ठंडा करके लेना है ताकि वो टूटे नहीं। अब उसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारा पुलाव एकदम रेडी है। ऊपर से उसको धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो आपको मेरी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।